उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जाने योगी सरकार के अहम फैसले, ये अहम प्रस्ताव भी हुए पास। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन विभाग के बंद और घाटे में चल रहे असंचालित पर्यटक आवास क्रय को PPP मोड पर विकसित और संचालित करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुए। इसके अलावा प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों को एडाप्टिव रियूज के तहत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और सहायक क्रीडा नीति 2023 के संबंध में प्रस्ताव पास। तहसील सदर जिला लखीमपुर खीरी क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग के नाम भूमि दर्ज कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को पारित करने के संबंध में प्रस्ताव पास। अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 40 मेगावाट क्षमता की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जिले में भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश और ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा परियोजना, जैव ऊर्जा परियोजना परियोजनाओं के स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराई जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। प्रदेश के वाहनों की तकनीकी स्वास्थ्य को सुनिश्चित किए जाने के परियोजनार्थ वाहनों की जांच के लिए स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए प्रस्तावित नई राज्य नीति के संबंध में प्रस्ताव पास। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सेंटर फॉर एडवांस मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च फॉर कैंसर प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री मेगा एकत्रित वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 का प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 का अग्रसर संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पास। बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज को डायरेक्ट APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय लखनऊ का संयुक्त स्थान बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।